आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में 28 सितंबर को 12 वफात के अवसर पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस व पीएससी के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बुधवार को दिन में 11 बजे बताया कि जनपद में संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि जनपद में जो भी संवेदनशील स्थल है और मिश्रित आबादी है, वहां पर पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। एक कंपनी पीएससी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात की गई है। 8 क्वाटी टीम बनाई गई है जो 8 संवेदनशील थाना क्षेत्रों पर तैनात रहेंगी। आरआई के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो आकस्मिक सूचना पर कहीं भी मूव करेगा। इसके अलावा गश्तेड अधिकारियों समेत पुलिस बल को तैयार रहने को कह दिया गया है। बारह वफात को लेकर पूरे जनपद में जितने संवेदनशील स्थल हैं, मिश्रित आबादी के स्थल हैं, वहाँ पे पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। एक कंपनी पीएससी हम लोगों को एक्स्ट्रा फोर्स मिली है जिसका डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे किया जाएगा। इसके साथ साथ 8 क्यूआरटी बनाई गई है जो 8 संवेदनशील थाना क्षेत्र है, वहाँ पे वो ऑपरेट करेंगे। आरआई लाइन के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसको मूव कराया जाएगा। और सभी जितने हमारे गजेटेड ऑफिसर्स हैं, जितने थाना प्रभारी हैं, पुलिस बल है, वो सब दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ और कमरबंदी की स्थिति में रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से सकुशल रूप से इसको संपन्न कराया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।